वेलकम टू मेधा सल्वानी। सो गाइज, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं हिंदी में, और ये है अलंकार। ठीक है। सो गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपको ट्रिक बेस बहुत आसानी से अगर आपको चीज़ें समझनी हैं हिंदी स्पेशली, तो यहाँ पर जो है ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक को आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हम उस पर काम करेंगे। ठीक हो गया। चलिए बात करते हैं गाइज आज सबसे पहले अलंकार की। ठीक है। अलंकार का जो अर्थ होता है ना, ये होता है आभूषण। ठीक है ना। ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम जिसका अर्थ होता है अलंकृत, और कार करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला ही क्या है, अलंकार है। अगर परिभाषा की बात करें हम अलंकार की, तो काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। बात करेंगे आगे अगले स्टेप के अलंकार के भेद। तो गैज अलंकार के दो भेद होते हैं, ये बताया आचार्य वामन ने। ठीक है। तो इन्होंने दो शब्दालंकार, जिस शब्द के माध्यम से अगर काव्य की शोभा को बढ़ाएंगे तो शब्दालंकार, अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक। उभयालंकार, ये तीसरा वाला जो है आचार्य भोज ने जोड़ दिया है। उभयालंकार, ये शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जो अब काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है तो उसे उभयालंकार कहा जाता है, ये बताया आचार्य भोज ने। ठीक। आप बात करते हैं शब्दालंकार के भेद की, तो गाइज ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। शब्दालंकार के भेद जो हैं पांच भेद होते हैं। ठीक है। और पांचों भेदों को पहले कवर करते हैं। और अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट होंगे, कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन ये पाँच बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज हमारे लिए शब्दालंकार के। तो इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति ऑब्लिक विप्सा अलंकार भी इसे बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो अनुप्रास अलंकार है इसके भी पांच भेद होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छेकानुप्रास, प्रीत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार। सो गए शब्दालंकार के पाँच भेद, पाँचों भेदों में पहला भेद अनुप्रास अलंकार, इसके पाँच भेद काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलिए अब जो है गाइज हम यहाँ पर ट्रिक बेस इसको समझेंगे। ठीक है। शब्दालंकार सबसे पहले, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य का भाव पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के पांच भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति। तो गाइज अनुप्रास के भी पांच होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को ही कवर करने जा रहे हैं। ठीक। जब एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ध्यान से समझिए, जब एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की हो रही है या कि शब्द की नहीं हो रही, एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में। कूलन में, कलियन में, कच्छारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकत है, पद्माकर जी की पंक्ति है। ठीक है। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार या दो से अधिक बार हो रही है, इसलिए आप इसे बोल सकते हैं अनुप्रास अलंकार। परिभाषा ऊपर साफ बताया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सोसुक सुजस सुलभ मोहि स्वामी। सोसुक सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अब तो आप आसानी से पकड़ लें, यहाँ पर जो सरिता वाला सौ है इसकी आवृत्ति लगभग पांच बार हुई है। ठीक है। सुख सुजस सुलभ, ठीक है। तो पर स्वरों का जो है यहाँ पर गाइज याद रखना, सुख सुजस सुलभ केवल तीन बार हुआ है। ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक बार जो है एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। अच्छा, आगे अब बात करते हैं गाइज अनुप्रास अलंकार के भेद की। ठीक है। तो पांच भेद होते हैं, ऐसे देख लेते हैं हम। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार या विप्सा अलंकार, जिसे हमने ऊपर कवर किया था। चलिए
अब जो है गाइज, अब फिर से हम इसमें आगे देखते हैं छेकानुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है, आसानी से सिर्फ परिभाषा को एक बार थोड़ा सा समझना है और ट्रिक जो हम बताएंगे उसी को आपको कवर करना है। छेकानुप्रास अलंकार या अनुप्रास अलंकार का पहला भेद, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, अर्थात एक वर्ण यानी दो बार आए उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। आप कैसे इसको थोड़ा सा समझिए, जहाँ पर एक वर्ण जो है यानी दो बार आए, एक बार पहले है एक बार और आएगा, यानी कि एक बार ही उसकी आवृत्ति होगी, एक पहले है एक बाद में आएगा, तो उसे बोलेंगे। उदाहरण से समझते हैं, अति आनंद मगन महतारी। यहाँ पर और देखिए गाइज, और यहाँ पर आनंद देखिए, एक बार ही आया ना, पहले ऑलरेडी है दूसरी बार आवृत्ति हुई, ऐसे मगन महतारी में मौ पहले है और एक बार आवृत्ति हुई है, तो समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, रहीमन रहिला की भली, रहीमदास जी की पंक्ति है, तो रौ एक बार ऑलरेडी है एक बार आवृत्ति हो गई, तो इसलिए आप इसे छेकानुप्रास अलंकार बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो रही है। ऐसे ही है, बदऊँ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ठीक है, तो दो दो की आवृत्ति यहाँ पर एक बार हो रही है, तो यहाँ पर पद पदुम में पौधो और सुरुचि में सुरुचि और सरस में सौरव की स्वरूपता एक एक बार आवृत्ति हुई है। ऐसे उदाहरणों को जो है आपको बार बार करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे गाइज अब हम बात करेंगे, अगला जो आएगा वृत्यानुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, इसको भी समझिए, जब पहले वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यहाँ बात हो रही है पहले वर्ण की, शब्द का पहला वर्ण उसकी बात हो रही है, आवृत्ति एक से अधिक बार हो या वर्ण आवृत्ति एक बार होगी या तो एक से अधिक बार होगी, तो उसे बोलेंगे हम वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, इसको समझिए फिर से, जहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार को एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी उसे बोलेंगे। उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इंडिकेट किया गया है जो तो है तो है तो 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 शब्द का पहला वर्ण है जी, इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो इसलिए इसे बोल सकते हैं आप वृत्यानुप्रास अलंकार। गाइस जो ट्रिक आपको बताया जा रहा है, इस ट्रिक को आप बेसिकली जो है फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, डेफिनेटली जो है आप अपना एग्ज़ाम बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सबसे टफेस्ट टॉपिकों में गिना जाता है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट को दिक्कत यही आती है कि अलंकार कैसे हम कर पाएंगे करके, तो ये ट्रिक अगर आपने अपना ली तो डेफिनेटली ये जो है आपको बहुत मदद देने वाला है। अगला है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सवेत सादर सुमन कलेसा। सौ सरिता वाला सौ बार बार आ रहा है गाइस, तो पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे बोल सकते हैं आप वृत्यानुप्रास अलंकार, नाम से ही, और ये वृत्त जैसा बना रहा है गाइस, इसको आप देख सकते हैं वृत्त जैसा ये बना रहा है, तो इसलिए आप इसे वृत्यानुप्रास में ले सकते हैं। ऐसे ही, विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरनी। इसमें गाइज अब आपको जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताना है क्या किस वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है या एक से अधिक बार हो रही है, ये आपको हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाटानुप्रास अलंकार। ये लाट का अर्थ होता है ढेर सारा, इसको जो है गुजरातियों का प्रिय अलंकार बोला गया है लाटानुप्रास अलंकार को। ठीक है, लाट आधुनिक गुजरात का प्राचीन नाम है। परिभाषा से समझते हैं, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, तथा अन्वय करने पर उसका जो है अर्थ जो है चेंज हो जाए, या सिंपल सी बात है, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए एक ही हो, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर मिस्टेक हो गया गाइस, थोड़ा सा परिभाषा फिर से देख लेते हैं। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अन्वय करने पर उसका अर्थ जो है सेम ही हो जाए, एक ही रहे, या एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए उसका अर्थ भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए एक ही हो, तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय।
अगर पुत्र सपूत निकल गया, सुपुत्र निकल गया तो धन को क्यों संचय करना है, अगर पुत्र कुपुत्र हो गया है तो भी इस धन को क्यों संचय करना है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो एक ही चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ पुत्र के लिए, तो याद रखना। अगला उदाहरण देखते हैं। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। तो एक रत्नाकर जी की पंक्तियाँ हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है लाटानुप्रास अलंकार में। आगे है, पंकज तो पंकज मृगांक का भी मृगांक री प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वो सुधा सारी। एक पंकज कमल, एक पंकज कीचड़, मृगांक चंद्रमा, मृगांक कलंकादि युक्त चंद्रमा। बात तो वही है ना, तो एक ही अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए जो है, आप गाइज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार क्या है परिभाषा को और ट्रिक को समझना है और फिर थोड़ा सा आपको अभ्यास करना है। जैसे आप अभ्यास कर लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये गुजरातियों का अलंकार इसे बोला जाता है और ये है लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार की। अगर समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यह श्रुत्यानुप्रास अलंकार या सुनने में जो है ना गाइज, अनुप्रास अलंकार की तरह लगता है। इसके शब्दों का अंतिम वर्ण जो है समान रहता है, ट्रिक याद रखना। सुनने में तो अनुप्रास लगेगा, ठीक है, लेकिन इसके शब्दों का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, समान रहेगा। या बोल सकते हैं एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण या एक ही वर्ग के वर्ण का प्रयोग हो तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार से कहते हैं। अच्छा, ये गाइज ये वर्णमाला जब हम करेंगे वहाँ पर इसको समझेंगे। ये कचटप ट्रिक होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। कहत नटत रीझत सजत, तो लास्ट में आ रहा है मिलत खिलत लजी जात, बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको जो है तो मिल रहा है, याद रखना। दिनांत था दिननाथ था, डूबते सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो गाइज यहाँ पर स्पेशली जो है वर्ग का उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना, वर्ग का उच्चारण हो रहा है। तो आप ये कचटप ट्रिक इसमें देखेंगे, मिलाएंगे तो इसमें जो है वास्तव में जो है एक ही वर्ग के वर्णों का प्रयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर ये जो है दो तो वर्ग में ही मिल रहा है दो, ठीक, नौ भी मिल रहा है, तो भी मिल रहा है, थो दो नौ, ये सब मिल रहे हैं। तो ये ट्रिक है गाइज, ऐसी ट्रिक आपको गाइज बहुत कम मिलेगी स्पेशली इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अब गाइज लास्ट जो है आज हम कवर कर रहे हैं अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के पांचों भेदों में अंत्यानुप्रास अलंकार, इसे तुक अलंकार भी बोला जाता है। तुक का अर्थ क्या होता है जब छंद हम पढ़ेंगे वहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। जोड़ा, जहाँ पंक्ति में अंतिम वर्ण का तुक मिलता है, जोड़ा मतलब, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। या जहाँ पंक्तियों में अंतिम वर्ण समान हो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। पंक्तियों में अंतिम जो है वर्ण सेम हो, उदाहरण नाई शंभु धनु भजन निहारा, हारा या कोई है कोई टूक दास तुम्हारा, हारा यहाँ पर भी आ गया और हारा यहाँ पर भी आ गया, तो तुक मिल गया। तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं तो तुक मिल गया अंतिम में, तो ये हो गया अंत्यानुप्रास अलंकार अंत में मतलब, ठीक है। तो याद रखना अंत में, अंत्यानु से अंत में, वृत्यानु में वृत्त जैसा बन रहा है। तो गाइज अगर ऐसे याद करोगे तो बहुत आसानी से जो है आपका अलंकार क्लियर हो जाएगा। अगर आगे भी जो है गाइज दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुहु लोक उजागर। सागर में गर आ गया, उजागर में गर आ गया, तो मिला तुक दोनों का, तो तुक मिला अंत में, तुक मिला, तो ये हो गया अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से जो है ये हमारा टॉपिक हो गया है आज का पूरा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट टू भी हम लेके आएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी, समझ में आया, तो ज़रूर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अन्य ग्रुपों में भी आप ज़रूर शेयर करें। इसी तरीके से हम आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज़।